Hello friends, welcome to Abhipedia powered by Abhimanyu IAS. Today is 9th of December 2020 और आज हम देखेंगे द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज आपको पढ़नी चाहिए. स्टार्टिंग फ्रॉम द हिंदू फर्स्ट पेज, तो कुछ न्यूज जो कंटिन्यूटी में चलती हैं, जैसे कि फार्म लॉज के ऊपर जो भी कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है, सो उस पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना है, बट यू शुड कीप इन माइंड एक चेन में आपको ये न्यूज चलाते रहनी है. सिमिलरली वैक्सीन के ऊपर बहुत कुछ चल रहा है, सो दिस पर्टिकुलर न्यूज, सो दिस न्यूज टेल्स अस अबाउट द इंडियाज अपकमिंग कोर्स ऑफ एक्शन. इंडिया आने वाले वक्त में बहुत सारी वैक्सीन को, जो कि ट्रायल ऑलमोस्ट इनका कंप्लीट होने वाला है, इंडिया इज गोइंग टू ग्रांट एक्सेस और इंडिया इज गोइंग टू ग्रांट परमिशन टू मैनी ऑफ दोज वैक्सीन. साथ ही यूके में देर इज अ फर्स्ट लेडी, 90 ईयर्स ओल्ड लेडी हु हैज गॉट द फाइजर वैक्सीन इंजेक्शन. तो पहली बार ये वैक्सीन जो है वो शुरू कर दी गई है. सो इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो दैट यूके इज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड दैट हैज स्टार्टेड एडमिनिस्ट्रिंग द वैक्सीन राइट अवे. उसके बाद ये दो न्यूज आपको पढ़नी है. द इंपॉर्टेंट न्यूज ऑन फ्रंट पेजेस, माउंट एवरेस्ट ग्रोज टॉलर एज चाइना नेपाल अनाउंस न्यू हाइट. तो माउंट एवरेस्ट की जो आज तक हाइट हम लोग करते आए हैं, दैट इज 8848 मीटर्स, जो कि 1954 में सर्वे ऑफ इंडिया ने मेजर की थी. लेकिन अब करीब 60-65 साल के बाद चाइना और नेपाल ने दोबारा से हाइट मेजर की है एंड दिस हैज शोन 86 सेंटीमीटर इंक्रीज इन द हाइट. सो नाउ द ऑफिशियल हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट इज 8848 मीटर्स 0.86, यानी कि 86 सेंटीमीटर हाई. तो जब ये 14 सेंटीमीटर और बढ़ जाएगी, देन इट विल बी 8849 मीटर्स. सो नाउ 86 सेंटीमीटर हाई माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है वो मेजर कर ली गई है एंड दिस इज नाउ द ऑफिशियल हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट. तो ये मेजरमेंट कैसे की जाती है, व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस, व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस, ये सब कुछ आपको करना है. इसी के रिगार्डिंग एक आर्टिकल है आज इंडियन एक्सप्रेस में, जिसके बारे में हम जो कि मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में. सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट न्यूज ऑन पेज वन. देन वी मूव टू द एडिटोरियल पेजेस. ऑन पेज नंबर 6, फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज इज फ्रेश विस्टा. A new parliament building will be celebratory if all have access to health and prosperity. तो सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट को परमिशन दे दी कि वो जो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग है उसकी फाउंडेशन स्टोन ले कर सकते हैं, लेकिन वो प्रोजेक्ट तब तक शुरू नहीं कर सकते जब तक हर तरह की एनवायरमेंटल क्लियरेंस और जो पेंडिंग इश्यूज हैं कोर्ट में वो रिजॉल्व नहीं हो जाते. तो नंदलस ये जो आर्टिकल लिखा गया है इसमें यही कहा गया है कि नई पार्लियामेंट बिल्डिंग जो है उसकी जरूरत है, बिकॉज पार्लियामेंट नीड्स टू एक्सपैंड, बट इट शुड बी कपल्ड विद क्रिएटिंग अ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रॉस्पेरिटी फॉर द पीपल एज अ होल. तो इस तरह से ये एक आर्टिकल लिखा गया है, इसको कहीं नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, जस्ट नीड टू रीड इट टू गेट अ पर्सपेक्टिव. देन द सेकेंड एडिटोरियल, इंपॉर्टेंट फ्रॉम सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव, कॉन्स्टेंट विजिलेंस. द खालिस्तान मूवमेंट इज नॉन एग्जिस्टेंट बट सिक्योरिटी एजेंसीज मस्ट वॉच फ्रिंज सेक्शंस. तो जो खालिस्तान मूवमेंट है, जो कि पंजाब में सिख मिलिटेंसी की एक प्रॉब्लम रही है इन द 1970s and 80s, कई सिक्योरिटी एजेंसीज का कहना है कि उसे उस मूवमेंट को दोबारा रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है, बिकॉज द टेररिस्ट, द सिख एक्सट्रीमिस्ट विच आर लिविंग इन फॉरन कंट्रीज लाइक जर्मनी, सिंगापुर, US, कैनेडा, वो लोग इकट्ठे होकर एक सिख रेफरेंडम 2020 कराने की कोशिश कर रहे हैं, विच इज इन वर्क्स फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ, रेफरेंडम 2020. तो ऐसा कहा जा रहा था कि दिस रेफरेंडम इज फॉर अ सेपरेट सिख स्टेट ऑफ खालिस्तान इन द पंजाब प्रोविंस ऑफ इंडिया, लेकिन ऐसे कोई ज्यादा ट्रेसिस हमें अब तक नहीं मिले हैं कि ऐसी कोई बहुत सक्सेसफुल एक्टिविटी हो चुकी है या होने वाली है. स्टिल सिक्योरिटी एजेंसीज को अपना गार्ड डाउन नहीं करना चाहिए एंड दे शुड be looking out for fringe sections, यानी कि कुछ ऐसी movements ना चल पड़े जिससे कि खालिस्तानी separatism को जो है वो हवा मिले. For example, the recent farm protests that are going on around Delhi, तो कुछ sections of society का या कुछ security agencies का ये कहना है कि इसमें खालिस्तानी जो extremists हैं, they may be aiding this agitation against Delhi.
इसको इस तरह का एजेंडा इसका ना बन पाए, अभी तक इसका ऐसा कोई एजेंडा नहीं है, लेकिन फ्यूचर में भी ऐसा कोई एजेंडा किसी भी इस तरह की मूवमेंट का ना बन पाए, इसके लिए सिक्योरिटी एजेंसीज को बहुत ज्यादा फोकस्ड रहने की जरूरत है। सो फ्रॉम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू एन इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इंसर्जेंसी एक्सट्रीमिज्म इन चीजों से कैसे निपटा जाए, देन अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी द राइज ऑफ द AI इकोनॉमी। तो काफी अच्छा आर्टिकल है, इसकी आप कटिंग भी रख सकते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। इसमें तीन पॉइंट्स बताए हैं जिन पे अगर इंडिया फोकस करे देन इंडिया कैन बिकम द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर हाउस ऑफ द वर्ल्ड। काफी अच्छा आर्टिकल है, यू कैन कीप अ कटिंग ऑफ दिस आर्टिकल फॉर योर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन। काफी अच्छा आर्टिकल है ये। देन मूविंग ऑन टू पेज नंबर 10, पेज नंबर 10 पे सार्क के ऊपर न्यूज है। सार्क नीड्स अ टेरर फ्री मिलू सेज प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है दैट फॉर साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन टू वर्क प्रॉपरली, सार्क जो कि एक 8-member बॉडी है जिसमें साउथ एशिया के ऑलमोस्ट सारे कंट्रीज आते हैं, इनमें इंडिया और पाकिस्तान भी इसके मेंबर्स हैं। सो जनरली द एजेंडा ऑफ सार्क हैज ऑलवेज बीन हाईजैक्ड बाय इंडिया पाकिस्तान राइवलरी। तो इंडिया का भी कहना है कि अगर सार्क को अच्छे से फंक्शन करना है तो एक टेरर फ्री एटमोस्फेयर की जरूरत है। सो सार्क दोबारा से रेलिवेंट हो जाता है। सार्क के बारे में सारी स्टैटिक नॉलेज फ्रॉम IR पॉइंट ऑफ व्यू यू हैव टू डू, एंड ऑल्सो यू नीड टू डू एवरीथिंग अबाउट इंटरनेशनल टेररिज्म। इंडिया का क्या क्या एफर्ट रहे हैं टेररिज्म के बेस के ऊपर ऑन द इंटरनेशनल लेवल, these things become relevant again. So for IR, this particular news is important. Then, moving on, page number 13, grandmother 90 gets first jab of vaccine. Jaisa ki maine aapko front page pe bataya. So she has become the first woman to get a COVID-19 vaccine shot in UK. Then, not a very important news. Yes, another important news on page number 14, business page. Telcos urge government to spell out 5G policy. तो जितने भी telecom companies हैं, Airtel, Jio, इन सब ने अर्ज किया है गवर्नमेंट को कि जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट अपनी 5G पॉलिसी को रोल आउट करे, उसके अपने बारे में बताए, सो दैट द इंफ्रास्ट्रक्चर दैट दीज कंपनीज आर ट्राइंग टू क्रिएट एंड ट्राइंग टू ऑपरेशनलाइज शुड नॉट गेट डिलेड। तो ये अच्छे से आपको करना है, एंड द नीड फॉर इंडिया to have a 5G policy at the earliest so that it does not lag behind. Then we move on to our second newspaper, which is the Indian Express. On Indian Express, we move to the explained page right away. पेज नंबर 14, द एक्सप्लेन्ड पेज, इसमें वैक्सीन के ऊपर एक आर्टिकल है, इमरजेंसी अप्रूवल इन इंडिया। तो वैक्सीन को दो तरह से अप्रूवल दिया जाता है, एक इन द यूजुअल कोर्स ऑफ टाइम और एक इमरजेंसी सिचुएशन में। तो इमरजेंसी अप्रूवल इंडिया में किस तरह से वर्क करता है, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में काफी डिटेल में समझाया गया है। व्हाट आर द इंप्लीकेशंस, व्हाट आर द चैलेंजेस एंड व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज अगर इमरजेंसी वैक्सीन को परमिशन दे दी जाती है, व्हाट आर द चैलेंजेस दैट इंडिया फेसेस एंड इज इंडिया केपेबल टू टेक द फॉल If something goes wrong, ये सारा कुछ इसमें बताया गया है। ये आर्टिकल आपको पढ़ना है। Then, एक जो मैंने आपको न्यूज पहले बताई थी, माउंट एवरेस्ट न्यू हाइट 86 सेंटीमीटर हायर, तो वो कैसे मेजर की जाती है, ऑल दीज थिंग्स, वट आर द इंप्लीकेशन ऑन इंडिया, वट आर द इंप्लीकेशन ऑन एनी अदर थिंग, वो सारा कुछ इसमें आपको बताया गया। तो उसी न्यूज के साथ लिंक करके आपको ये वाला आर्टिकल भी पढ़ना है। Then finally, we move to page number 18, which is the editorial page. Editorial page पे एक आर्टिकल है जो आपको अच्छे से पढ़ना है। एक आर्टिकल है एग्रीकल्चर के ऊपर, फील्ड्स ऑफ द फ्यूचर। दिस आर्टिकल यू हैव टू रीड, काफी अच्छे सजेशंस दिए गए हैं इसमें कि कैसे एग्रीकल्चर को रेम्यूनरेटिव बनाया जा सकता है। एंड सेकेंड आर्टिकल दैट यू हैव टू रीड इज
ऑन पेज नंबर 19, द आइडियाज पेज. दूसरा आर्टिकल आपको पढ़ना है, नीडेड मोर वेल्थ इन हेल्थ. तो हेल्थ सेक्टर में कैसे ज्यादा स्पेंडिंग की जरूरत है, कैसे कोरोना वायरस की वजह से हमें पता चला है दैट इन दोज कंट्रीज दैट हैड स्पेंट a considerable amount of money and effort in creating a robust health infrastructure, how those countries have been able to manage this crisis much more adequately than India has been. तो इसमें काफी अच्छे से बताया गया है कि GDP में percentage share जो है health spending पे वो बढ़ाना चाहिए और उसके क्या क्या long term और short term benefits हो सकते हैं. So these article also you have to read. So this was all that you have to read in these two newspapers today. I hope this effort is helping you out. Now just go and read all these news so that you do not waste your time reading unnecessary news which are not relevant for civil services preparation. If you like this effort, please like, subscribe and share this video. And thank you. Have a nice day.